Hey guys, this is Simran. Welcome back to my YouTube channel Glamour. आज मैंने दुर्गा पूजा के लिए तीन लुक क्रिएट किए हैं। दुर्गा पूजा के जो फर्स्ट थ्री डेज, अगर आप देखना चाहते हैं कि तीनों लुक मैंने कैसे क्रिएट किए हैं, देन प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया सॉफ्ट क्रीम अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ रोजिप रेडियंट ग्लो सीरम। ये रोजिप सीरम है फ्रॉम गुड वाइब्स। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से, और आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ मेरा वेट एंड वाइट का फोटो फोकस कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम बीच। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ मेरा ब्लू हेवन का सफायर पाउडर। ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है और इसे एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं अपने आईज को सेट कर रही हूँ। आई शेडो के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मेरा हुडा ब्यूटी का दी मास्टर्ड रोज गोल्ड पैलेट। इसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कलर्स हैं। यहाँ पे आपको शिमर कलर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे मैट कलर्स हैं। मैट में ब्लैक है, ब्राउन है, बेज है, ये सारे कलर्स। ये एक पूरा मल्टीपर्पज पैलेट है, इसमें सारे कलर्स बहुत पिगमेंटेड हैं। ये मैंने फ्रॉक शॉप 18 से परचेज किया था फॉर ₹220 और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कलर कोको। ये एक ब्राउन कलर है, यहाँ पे कलर के नेम भी मेंशन है। कोको कलर मैं पिक कर रही हूँ अपने ब्रश के हेल्प से और इसे एज अ ट्रांजिशन कलर मैं यूज करूंगी। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ ये रेड कलर और ये है इन शेड मेन एटर। आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन बट यस, मेन एटर यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं ये वाला कलर पिक कर रही हूँ और इसे अपने आउटर बी पे प्लेस करूंगी क्योंकि मेरा कुर्ता इसी कलर का ऑलमोस्ट। तो मैं ट्रांजिशन इफेक्ट कर रही हूँ गोल्डन हेलो और गोल्डन रेड हेलो आइज। सेम कलर को मैं अपने लोअर लेफ्ट लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ये गोल्डन वाला शिमर कलर पिक कर रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से इन द शेड 24K और इसे अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी। वाओ, सो पिगमेंटेड। ये कलर बहुत ज्यादा सुंदर है बट इस कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये ब्लेस्ड कलर पिक कर रही हूँ यहाँ से और इसे अप्लाई करूंगी गोल्डन कलर के ऊपर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं फिल कर रही हूँ अपने आईब्राउज को और यहाँ मैं ले रही हूँ आईब्राउ पेंसिल फ्रॉम SFR कलर। ये एक डार्क ब्राउन शेड में है और ये भी मैंने फ्रॉक शॉप से परचेज की थी।
कैन सी द डिफरेंस इन बोथ द ब्राउज. ये वाली मैंने फिल इन कर ली है और ये नहीं की है. आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं. इसलिए मुझे आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा पसंद आई है. ये बहुत अफोर्डेबल है. इट रिटेल्स फॉर 30 rupees आई गेस. यस गाइस, ये सिर्फ 30 rupees की है. अगर आप स्पूली की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाती है और इसने मुझे बहुत अच्छा कवरेज दिया है. मेरे ब्राउज एकदम नेचुरल लग रहे हैं इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. नेक्स्ट मैं सेकेंड आईब्रो भी अपना फिल इन कर रही हूँ. हमारा आई मेकअप एंड ब्राउज कंप्लीट हो गया है. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फेस मेकअप. फेस मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा ग्लैम 21 का इल्यूमिनेटर बेस. ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है. इसमें बिल्कुल चंकी ग्लिटर्स नहीं है और ये आपको एक ड्यूई सा फिनिश देता है, एकदम नेचुरल ग्लो. थोड़ा सा मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे. नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन. और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा बेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बीच. ब्लेंड कर रही हूँ मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. ये वेट स्पंज है. फाउंडेशन के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर. अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट सफायर पाउडर और वेट स्पंज की हेल्प से ही मैं अपने अंडर आईज के नीचे इसे प्लेस करूंगी. थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे. तब तक मैं अप्लाई कर लेती हूँ मेरी फॉल्स आईलैशेस. इसके ऊपर अप्लाई करूंगी मैं आईलाइनर. एक्चुअली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा कैमरा बीच में बंद हो गया था और उसके बीच में मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया और मेरे इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया. तो मैं आपको बता रही हूँ इनर कॉर्नर्स के हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज किया है ये वाला कलर फ्रॉम माई SFR ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर पैलेट. एंड ब्लश के लिए मैंने पिंक दोनों कलर्स को मिक्स करके अपने चीज पे अप्लाई किया है. नेक्स्ट हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे मैंने क्योंकि ब्राइट कलर का कुर्ता पहना है तो मैं लिपस्टिक को थोड़ा सा न्यूड शेड में रखना चाहती हूँ. मैंने यहाँ लिया है मेरा ADS का मिनी बुलेट लिपस्टिक इन शेड ऑरेंज एंड इट इज 15, शेड नंबर 15. और नेक्स्ट मैंने लिया है ब्लू हेवन का एलिगेंस लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 11. लास्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB का व्हाइट काजल और इसे अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ. इतनी देर से मैं सोच रही हूँ कि मुझे आई लैशेज हैवी क्यों लग रही हैं, मिक्स क्यों नहीं हो रही हैं अच्छे से ओरिजिनल मेरे लैशेज से, क्योंकि मैंने मस्कारा अप्लाई नहीं किया है. एक्चुअली आज बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से मुझे आंसू आ रहे हैं तो इट्स सो मच इरिटेटिंग. और बार बार कैमरा बंद हो रहा है तो मुझे फिर उसको बार बार देखना पड़ रहा है. Okay, so here I am using Walk Free Mascara from Blue Heaven. और इसमें अपने लैशेस को कर्ल करें. Thank you.
करना शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने अपनी इयर रिंग्स चेंज कर लिए हैं एंड ड्रेस चेंज कर लिया है। मेकअप सेम है, सिर्फ आपको चेंज करना है अपनी लिपस्टिक और आपका सेकेंड लुक कम्प्लीट हो जाए। दुर्गा पूजा के तीसरे दिन रॉयल ब्लू कलर शुभ माना जाता है और लोग रॉयल ब्लू कलर मोस्टली पहनते हैं, तो मैंने ये रॉयल ब्लू कलर का कुर्ता पहना है। इसके साथ मैंने चेंज की है मेरी लिपस्टिक। मैंने यूज की है यहाँ मेरी डार्लिंग इज़राबेला की लिपस्टिक इन द शेड 15, दिस वन। एंड मैंने अपनी इयर रिंग्स चेंज किए हैं, मैंने यहाँ ऑक्सीडाइज नेकलेस भी किया है विद दिस ऑक्सीडाइज का इयर रिंग्स। तरीके से मैंने तीनों कलर्स आपको वेयर करके दिखाए, रेड सेकंड डे के लिए, येलो एंड थर्ड डे के लिए ब्लू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस लुक देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।